नमस्कार, जनतंत्र टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र भाटी। देश के कई हिस्सों में धर्म परिवर्तन के नाम पर हो रहे लड़कियों के उत्पीड़न को लेकर बीजेपी सरकारें अब सख्त दिखने लगी हैं। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अब खुद ही मोर्चा संभाल लिया है। लव जिहाद के खिलाफ बीजेपी की सरकारें अब कानून लाने की तैयारी कर रही हैं। हरियाणा, मध्य प्रदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की तैयारी में है। यूपी के गृह विभाग ने न्याय विधि विभाग को कानून को लेकर प्रस्ताव भेज दिया है। अब विधि विभाग इस प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच विपक्ष को ये कानून रास नहीं आ रहा है। विपक्ष बीजेपी पर सीधे तौर पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगा रहा है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे और इसके लिए तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। चक्रपाणि महाराज जो कि अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस चर्चा में। साथ ही डॉक्टर इकबाल सिद्दीकी महासचिव हैं जमाते इस्लामी हिंद राजस्थान के, और भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता शबनम पांडे हैं, और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अंशु अवस्थी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मेरे सहयोगी जो कि अखिलेश मिश्र भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सभी मेहमानों का। सबसे पहले आप ही के पास आऊँगा शबनम जी, क्या है एक साथ अचानक पहले आपको जम्मू कश्मीर की याद आती है और उसके बाद आप मध्य प्रदेश और हरियाणा की तर्ज पर लव जिहाद को लेकर सक्रिय हो जाते हैं अचानक से? हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, बहुत लंबे समय से इस कानून को लाने की बात कर रही थी। जहां हिंदुस्तान में शादी ब्याह को एक पवित्र बंधन माना जाता है, वहीं पर इस शादी ब्याह जैसे पवित्र बंधन को एक मजाक बनाकर, एक उत्पीड़न का रास्ता बनाकर, एक धर्मांतरण का रास्ता बनाकर कुछ लोगों ने रख दिया है। और जब हम इस पे कानून बनाने की बात करते हैं तो विपक्ष निश्चित तौर पे उसका विरोध करता है। विपक्ष को ऐसा लगता है सरकार जो भी करे उसका विरोध करे। पर एक बार जरूर कहूंगी कि महिलाओं पे होते उत्पीड़न पे घड़ियाली आंसू बहाने वाले विपक्ष निश्चित तौर पे इसका विरोध कर रहे हैं, पर वो बताएं कि इस मुद्दे पे स्पेसिफिकली कोई कानून है या नहीं। उन्हें जानना चाहिए कि इस मुद्दे पे स्पेसिफिकली ओवरलैप करते हुए काफी कानून होंगे, लेकिन स्पेसिफिकली इस मुद्दे पे कोई भी एक भी कानून नहीं है। आज देखिए हरियाणा में आपने देखा निकिता को किस तरीके से सरेआम मार देता है क्योंकि वो धर्मांतरण नहीं करती है शादी के बाद। और उत्तर प्रदेश में ही अगर देखा जाए तो अंजना तिवारी ने विधानसभा के सामने आग लगा ली क्योंकि उसका पति उससे शादी करके बगैर तलाक लिए दूसरी शादी करता और जाके विदेश में बैठ जाता है। तो देखिए इस तरीके से महिलाओं के उत्पीड़न होने पे आंसू बहाने के लिए तो विपक्ष जाति धर्म सब ढूंढ लेते हैं, लेकिन जब महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए, सम्मान देने के लिए, उनके स्वाभिमान को जगाने के लिए कोई कानून हमारी सरकार लाती है तो ये पीछे हट जाते हैं। चाहे तीन तलाक का मुद्दा हो या आज लव जिहाद का हो, तीन तलाक के मुद्दे पे भी किस तरीके से कांग्रेस पार्टी सरेआम एक महिला जब कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है अपने मेंटेनेंस के लिए तो उसको किस तरीके से इन लोगों ने बेइज्जत करा और उसे मेंटेनेंस से बेदखल करने की कोशिश की। पर हमारी सरकार ने तीन तलाक की तलवार लटकने वाली महिलाओं को न्याय दिया, उनको उनका सम्मान दिया, उन्हें स्वाभिमान लौटाया और आज उन सभी महिलाओं को जो लगातार इसकी इससे पीड़ित थी उनको न्याय देना चाहती हैं। देखिए केरल में हाई कोर्ट ने भी इस बात को उठाया था और केरल के सीएम ने बताया था 2009 से 12 तक में 2670 ऐसे लव जिहाद के केस आए थे जिसमें कि 2200 हिंदू महिलाओं को जबरन इस्लामिक धर्म शादी के बाद धर्म में परिवर्तन का काम किया। तो इस तरीके से लगातार महिलाओं का शादी के नाम पे उत्पीड़न हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, जिसको कि हमारा संविधान भी नहीं मानता। शबनम जी, लव जिहाद, जिहाद की परिभाषा क्या है, ये शब्द कहां से आया? देखिए जिहाद जहां तक कहा जाए कि वो किसी जद्दोजहद से किसी मसले पे जद्दोजहद करना, पर आज जिहाद का नाम कुछ रेडिकल लोगों ने
उसे इस तरीके से एक कर विशेष दिया समुदाय की है बात कर रहे हैं कि आप, किसी को एक विशेष समुदाय प्रताड़ित की बात कर करने रहे हैं। का। आज हमारे देश में या विश्व में जेहाद का मतलब केवल आतंकवादियों से जुड़ के है। अगर पत्थरबाजी होती है तो उसे जेहाद में कर देते हैं, और कोई भी रैशनल इस्लामिक लोग ठीक इस है, इसको अंशु कहीं अवस्थी, भी खंडन अंशु करने नहीं अवस्थी, आते। आज जिस तरीके से उत्पीड़न हो रहा है, अगर जेहाद के नाम पे उत्पीड़न करते हैं ये, तो इस पर उन लोगों को आना चाहिए जो इस्लाम में सही मतलब में जेहाद का मतलब बता सके, और ऐसे लोगों के खिलाफ वो खड़े हो, वो धर्म के नाम पे उनका अंशु साथ अवस्थी, ना दे। अंशु अवस्थी, महिलाओं के सम्मान की बात है, उनके अधिकार की बात है, उनके विश्वास की बात है, उसके लिए कानून लाया जा रहा है, आपकी पार्टी को ऐतराज क्यों है? बिल्कुल, हमें ऐतराज नहीं है, हमें जी सरकार की नियत पर सवाल, सरकार अच्छा की जो नियत है उस पर प्रश्न चिन्ह है। और आप देखिए कि इससे पहले भी जो चिन्ह है और आप देखिए कि इससे पहले भी जो कानून लाने को लेकर इन्होंने प्रोपेगेंडा बनाए, सरकार ने बहुत सारे प्रोपेगेंडा किए, उन सारे चीजों पर इनकी नियत पर सवाल है। हमारी बहन बहुत अच्छी प्रवक्ता हैं, जैसे कि बता बहुत दीजिए क्या अच्छे क्या से अपना प्रोपेगेंडा पक्ष किया इन्होंने। रखती हैं, बड़ी अच्छी बात कर रही थी। आप देखिए कि उन्होंने कई सारे शब्द इस्तेमाल किए कि महिलाओं के सम्मान, कानून के आने से बढ़ जाएगा महिलाओं का सम्मान, जब हम करेंगे तब होगा। सरकार जब पीड़ितों के साथ, बलात्कारियों के साथ नहीं खड़ी होगी, पीड़िता के साथ खड़ी होगी तब होगा। हाथरस की घटना में सबने देखा कि लगातार किस तरीके से पूरी उत्तर प्रदेश की साहब, सरकार लेकिन कानून आरोपियों बनाने को से ऐतराज बचाती क्या गई। आपको? कानून बनाने सवाल से यह है कि आपको इतनी ऐतराज सारी क्या है? बलात्कार की जो, मुझे अनुरोध है, मुझे पूरा कर लेने दीजिए, मैं 1 मिनट लूंगा आपसे, अनुरोध है मेरा। जी बताएं। आपका टाइमर मेरी स्क्रीन पे चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ कानून बना देने से क्या सम्मान बढ़ जाएगा? जब तक हम सम्मान दिल से नहीं करेंगे तब तक सम्मान नहीं होता। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मन में महिलाओं को लेकर किस तरीके की घृणा भरी हुई है, ये कई बार इस बात की पुष्टि हो चुकी है। हाथरस की घटना में आप देखिए, प्रतापगढ़ में एक पीड़िता जो लगातार जो उसका उत्पीड़न कर रहे थे, उनकी शिकायत की शिकायत नहीं सुनी गई, उसने कुएं में कूद कर अपनी जान दे दी। बलरामपुर में यही हुआ, लगातार जिस तरीके से अंशु महिलाओं जी, और अंशु बच्चों के जी, ऊपर अत्याचार हो रहा अंशु है, जी, अंशु जी, माफ तो कीजिए, रोक रहा हूँ मैं आपको, माफ कीजिएगा, रोक रहा हूँ मैं आपको। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि ठीक है, उसका आपने जिक्र कर दिया, बलरामपुर का, हाथरस का आपने जिक्र कर दिया, लेकिन अगर किसी भी अपराध के लिए कोई कानून नहीं होगा तो वो आपकी सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या फिर किसी अन्य दल की सरकार हो, फिर वो कार्रवाई कैसे करेगी? साहब कानून तो देखिए, बहुत बनने दीजिए ना कानून को फिर आप। बहुत अच्छा सवाल किया है आपने, और इस ये सवाल मौजूद है इस डिबेट के लिए। जी सवाल सबसे बड़ा ये है कि भारतीय संविधान में सारे प्रोविजन हैं, हर एक व्यवस्था के लिए कानून पहले से प्राविधानित है। अगर कोई भी जबरदस्ती धर्मांतरण कराता है उसको लेकर भी कानून है, भारतीय संविधान में ये व्यवस्था है कि हर व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपने धर्म, अपने तौर तरीके से, अपनी पूजा विधान से रह सकता है, अपने धर्म को मान सकता है, पूजा कर सकता है, जबरदस्ती कोई नहीं कर सकता। अगर हिंदू धर्म में भी एक हिंदू दूसरी हिंदू महिला के साथ जबरदस्ती शादी करना चाहता है, साथ रहना चाहता है, तो वो भी पूरी तरीके से इलीगल है, गैर कानूनी है, इसको लेकर भी कानून है। क्या है? सारे कानून संविधान में निहित है, लेकिन नहीं, वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, कौन सा कानून है? सर आप चार अगर सौ जानना आईपीसी चाहें तो चार सौ मुझे एक तिरानवे की बात कर रहे हैं मौका आप? जरूर दीजिए। आईपीसी की चार सर सौ आप तिरानवे जानना की बात कर चाह रहे रहे हैं, हैं, आईपीसी की धारा फोर देखिए नाइन्टी थ्री का जिक्र कर रहे हैं क्या आप? देखिए अगर बहुत महत्वपूर्ण डिबेट है, जी अगर आप हमको 1 मिनट का मौका नहीं नहीं देंगे बिल्कुल, तो मैं मैं फैक्ट्स पे, बता इसीलिए दूंगा आपकी कि बात को सुन रहा हूँ अंकुश अंशु जी, जी, मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ। क्या आप आईपीसी की धारा 493 का जिक्र करने की कोशिश कर रहे हैं आप? नहीं, 493 है, 92 भी है उसके साथ। आप जबरदस्ती किसी का धर्मांतरण नहीं करा सकते, जबरदस्ती किसी को अपने साथ नहीं रह सकते, हाँ। उसके लिए पहले से प्रावधान है, यहाँ तक प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे इस पे वो किया है, स्पष्ट किया है, संविधान को परिभाषित किया है कि यदि कोई महिला अपने पति के साथ रह रही है और वो अगर उसके साथ सहवास नहीं करना चाहती है, उसके साथ संबंध नहीं बनाना चाहती, वो भी गैर कानूनी है। तो सवाल इलाहाबाद ये है कि हाई कोर्ट यहाँ की पर भी टिप्पणी क्यों आई इस पर?
कि सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन कर लेना, धर्म परिवर्तन नहीं करना, ये सही है? अगर आप बीच बीच में इंटरप्ट करते रहेंगे तो सॉरी, नहीं माफ कीजिएगा अंशु जी, क्योंकि समय की बहुत कमी होती है, इसलिए बीच में जो सवाल उठते हैं उनका जवाब देना भी आपके लिए अनिवार्य होगा, क्योंकि तमाम मेहमान भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अगर अगर एक मिनट आपके पास नहीं, क्योंकि आप भी बोलते रहेंगे मैं भी बोलता रहूंगा जीशान जी, तो फिर मुश्किल है, क्योंकि अगर एक मिनट आपके पास समय नहीं तो बुलाने नहीं ना। सर 3 मिनट हो गए आपको, खैर लौटूंगा आपको, आप और तैयार, मैं आपसे चर्चा करूंगा, मैं 492 493 पर और आपसे बात करूंगा, और सब मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी मैं एक बार कमेंट ले लेता हूं। मेरे साथ में एक बार सिद्दीकी साहब, लव जिहाद क्या है ये? जी ये तो जिन लोगों ने इसको नाम दिया है उन्हीं से पूछा जाना चाहिए कि ये क्या है। इस तरह का कोई शब्द किसी भी शब्दावली में मौजूद नहीं है। इस्लाम में कोई जगह है इसकी, कोई परिभाषा है? शब्दावली में ये मौजूद नहीं है, इसकी कोई परिभाषा नहीं है। ये एक टर्म इन्होंने कोइन किया है, इन्होंने घड़ा है एक टर्म, और इसका पूरा जो उद्देश्य है वो राजनीतिक फायदा उठाना है, इसके सिवा और कुछ भी नहीं है। लव जिहाद जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, उपस्थित ही नहीं है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन जिस तरह से, लेकिन जिस तरह से लड़कियों को बहला फुसला कर उनसे शादी करना, उनसे शादी करना, उसके बाद उनका धर्म परिवर्तन कराने के लिए उन पर जोर देना, दबाव डालना, जबरन उनका धर्मांतरण कराना, इसको फिर क्या कहेंगे और किस श्रेणी में आता है? देखिए धर्मांतरण, धर्मांतरण जैसी चीज किसी और धर्म में होती हो तो मुझे पता नहीं है, इस्लाम में कोई धर्मांतरण नहीं होता। धर्म कोई कपड़ा नहीं है कि एक उतार कर दूसरा पहन लिया जाए, ये दिल का मामला होता है। और इस्लाम के अनुसार यह है कि जब तक कोई दिल से इस्लाम की पूरी बातों को मानकर उसके अनुसार आचरण नहीं करता वो मुस्लिम नहीं है, चाहे वो नाम बदल ले, नाम बदलने से कोई मुस्लिम नहीं होता। तो ये बात कहना कि मुस्लिम ही ऐसा कर रहे हैं ये गलत है। अंतर धार्मिक और अंतर जातीय विवाह तो हमारे देश में होते रहे हैं और अब भी हो रहे हैं, और कितने ही कानून बना दे आगे भी सर, होते इतने रहेंगे। सारे जो मामले आए हैं उनके खिलाफ आप क्या कहेंगे? हाल ही में नोएडा के अंदर एक मामला आया है, एक लड़का है जो साहिल खान है, उसने साहिल सिंह के नाम से अपना एक वोटर आईडी कार्ड बनवा लिया है, आधार कार्ड बनवा लिया, लड़की से शादी कर ली, और पता लगता है कि वो साहिल खान है और उनके पिताजी मोहम्मद शौकत अली है, उसके लिए कानून बने हुए हैं, उसको उसको सर सजा आप, देनी चाहिए। आप जो धर्म गुरु हैं, आप 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 कोई भी आप जो है तो उसको सजा देनी चाहिए, लेकिन ये लव जिहाद नहीं है, इट इज नॉट लव जिहाद एट ऑल। क्या है फ्री लव जिहाद? नहीं है लव जिहाद, क्या है? कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, है ही नहीं। चक्रपाणि महाराज, अब आपसे अंत में समझना चाहूंगा, लव जिहाद नहीं तो फिर क्या है ये? जो किसी भी धर्म की लड़की के साथ हो सकता है, और मुस्लिम लड़कियों के साथ भी हो रहा है, ये मुस्लिम लड़कियों के साथ भी इस तरह की चीजें हो रही हैं। आप जी जी चक्रपाणि महाराज, आपको सुन रहा हूं मैं डाटा लेके नहीं बैठा हूं, लेकिन बहुत सारे इस तरह के देखें बाटी जी, देखिए इकबाल साहब रुकिएगा, आप चक्रपाणि महाराज जी को सुन लीजिएगा, चक्रपाणि महाराज जी को सुन लीजिए, वो जवाब दे रहे हैं। सत्येंद्र भाटी जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, अभी हमसे पहले जो तो मेरी आवाज मेरे को आ रही है, आप इसको ठीक कराइए। पीछे एक बार चक्रपाणि महाराज जी को एक बार ठीक कराइए, उनका उनका वापसी से रुक करेंगे, लेकिन अखिलेश जी, अखिलेश जी, लव जिहाद का जिहाद कहां से हो गया, कहां से इजाद हो गया इसका? देखिए ये यही बात कांग्रेस कह रही है कि आप ये जो शब्द का है लव जिहाद, ये भारतीय जनता पार्टी की उपज है जी। एक आंकड़ा देता हूं, अभी शबनम जी ने कहा कि केरल के, केरल का उन्होंने आंकड़ा दिखाया, बाकायदा बताया कि किस तरह से केरल में जिस तरह के लव जिहाद के मामले उन्होंने बताए। मैं 3 आपको उदाहरण देता हूं। केरल के मामले में गृह मंत्री ने बाकायदा लोकसभा में सफाई दी है कि लव जिहाद जैसा वहां पे कोई चीज एक्सिस्ट नहीं कर रहा है। कांग्रेस के सांसद ने पूछा था और केरल को लेकर के पूरे देश भर में हाय तोबा मचाया गया था। दूसरा, कर्नाटका में एक SIT बनी थी लव जिहाद की जांच करने के लिए, उसने भी उसमें कोई दोषी नहीं पाया। तीसरा, जो सबसे बात आप कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक SIT बनाई है, उसने 14 मामलों की जाँच की है लव जिहाद की, जिसमें 7 मामलों में क्लीन चिट दे दिया है, 4 मामलों में करीब करीब क्लीन चिट देने जा रही है, 3 मामले
मामले अभी पेंडिंग में हैं। तो अगर आप कहेंगे ग्राउंड पे आंकड़ों की बात करेंगे तो ये चीजें आप आंकड़ों में कहीं प्रूफ नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर आप गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक जाएंगे तो ये एक बड़ा मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा है। और जौनपुर और देवरिया में चुनाव के दौरान अगर मुख्यमंत्री जी ने इस बात को उठाया तो निश्चित तौर पे ये एक मुद्दा बन गया और लोगों को लगने लगा जब लव जिहाद जो है एक बड़ा मुद्दा है और उसी को लेकर के बहस जारी है। जी चलिए एक बार स्वामी चक्रपाणी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी आवाज आ रही है जी, अपनी बात कहें। देखिए सत्यन जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी पिछले वक्ता जो बता रहे थे कि जी इस पे कानून बने हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लव जिहाद पे अगर कानून होता तो निकिता की हत्या नहीं हुई होती वर्तमान में जिस प्रकार से, अगर जो कानून नहीं था इसलिए हत्या हुई। अगर लव जिहाद पे कानून होता तो अंजना तिवारी जो अभी हमारी बीजेपी की प्रवक्ता बहन बोल रही थी, अंजना तिवारी वो लखनऊ विधानसभा के सामने उसको अपने आप को जला करके हत्या करना पड़ा, वो करना नहीं पड़ता। अगर जो लव जिहाद के खिलाफ कानून होता तो मेरठ में जो मां बेटी को सरेआम उस जिहादी ने जमीन में गाड़ दिया था, शायद उस मां बेटी की हत्या नहीं होती। सवाल इस बात का है कि आजादी के बाद लाखों बेटियों की, लाखों बहनों की जिस प्रकार से धर्मांतरण कराया गया लव जिहाद के माध्यम से, उनकी हत्या की गई, उनके साथ कुकर्म किए गए, उनके साथ मुझे ये बताइए, उनके मां मां के साथ कानून बनने से इनके लिए जरूरी हो जाता है? बिल्कुल रुकेगा। अवस्थी चक्रपाणी महाराज को अपनी बात पूरी करने दो, उसके बाद आपके पास आऊंगा मैं। आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था, मैं बीच में उनको अपनी बात पूरी करने दो। सवाल इस बात का है, मैं धन्यवाद देता हूं उन सरकारों को, और ये सिर्फ मुद्दा बीजेपी का नहीं है, ये मुद्दा देश की अस्मिता की है, ये मुद्दा जो है बहनों की बेटियों की मुद्दा है, और उससे पूरा देश त्राई त्राई कर रहा है। आजादी के बाद सबसे ज्यादा अगर जो किसी पे उत्पीड़न हुआ है तो लव जिहाद के माध्यम से हमारे देश की बेटी और बहनों के साथ अन्याय हुआ है। पहले वो नाम कुछ और बताते हैं, हिंदू नाम बताते हैं, कलावा बांधते हैं, तिलक लगाते हैं, बाद में उसको प्रेम जान में पता के उनके साथ दुष्चरित्र का काम करते हैं, बाद में बताते हैं कि मैं तो कवन खान और अस्फाक और कौन कौन क्या नाम बता देते हैं, और उसके बाद उसका धर्मांतरण कराने पे दबाव डालते हैं, और जो वो नहीं धर्मांतरण करते हैं तो उसकी हत्या तक कर देते हैं जैसे गुड़गांव में होता है, और अगर धर्मांतरण कर लेते हैं तो फिर उसके बाद दूसरी तीसरी इस तरह से लव जिहाद करते हैं। लव जिहाद एक बहुत बड़ी साजिश है जो देश में काफी समय से चला आ रहा है। हम उन सरकारों को बधाई देते हैं जिन्होंने उन बेटियों की, उन बहनों की दर्द को समझने का काम किया है। इस पे कोई भी व्यक्ति अगर राजनीतिकरण करता है और अगर जो उसके खिलाफ बोलता है और लव जिहादियों के समर्थन में बोलता है, निश्चित रूप से उन बहनों और बेटियों को एक बार दर्द को महसूस कीजिए, आपको पता चलेगा। हमने एक नहीं सैकड़ों ऐसे बेटियों के और बहनों को देखा है, पूरे के पूरे न सिर्फ घर से बर्बाद होती है बल्कि उधर से वो भी मारता है, ना घर की होती है ना घाट की होती है। सवाल इस बात का, अगर आप इस्लाम को मानने वाले, आप कांग्रेस में है या इस्लाम को मानने वाले मुसलमान भाई है, तो कम से कम बेटी और बहन की तो के लिए कानून बन रहा है तो उसका सम्मान करिए। ये बड़ा सवाल है, बेटी का है जी। ठीक है चक्रपाणी महाराज, यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा। बड़ा सवाल उठाया है चक्रपाणी महाराज ने कि यहां सवाल किसी धर्म का नहीं है, जाति का नहीं है, यहां सवाल है बेटियों का, वो बेटी चाहे हिंदू की हो चाहे मुस्लिम की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि लव जिहाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसके खिलाफ कड़ा कानून बनाया जाएगा, जिसके बाद पूरे सूबे में बवाल मच गया है। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, सभी मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। एक बार चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा फिर से। अंशु अवस्थी, फिर से आपका रुख करूंगा, आपसे सीधा सवाल, सरकार कानून बना रही है, आपको ऐतराज क्यों है? चक्रपाणी जी को भी मैं सुन रहा था, बहुत सारे साथियों को सुन रहा था जी, को भी मैं सुन रहा था, बहुत सारे साथियों को सुन रहा था। लगातार मैं ये बात कह रहा हूं कि जो आईपीसी की धारा 493 है, बिल्कुल स्पष्ट है उसमें कि भारतीय दंड संहिता 493 के अनुसार हर पुरुष किसी स्त्री को उसे विध पूर्वक विवाहित ना हो और धोखे से यदि उसके साथ संबंध बनाता है तो गैर जमानती है। ठीक है सर, मैं पढ़ चुका हूँ उसको, मैंने पढ़ा हुआ है वो, और उसे आर्थिक दंड भी पड़ सकता है। धारा 494 भी है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, सिर्फ 493 नहीं है जी, 493, 494, 495 और 496 आईपीसी की ये चार धाराएं हैं। लेकिन जबरन धर्म परिवर्तन कराना, जबरन धर्मांतरण कराना, ये कितना सही है? क्या इसके लिए अलग कानून होने से कोई आपत्ति है? अगर इसके लिए अलग से कानून बन जाए तो कोई आपत्ति है?
जबरन धर्म परिवर्तन पहले से गैर गैर कानूनी है, जबरन धर्म परिवर्तन पहले से गैर कानूनी है। मैं यही तो आपके माध्यम से दर्शकों को समझाना चाह रहा हूँ, अच्छा। हमारी जो बहन बैठी उनको भी और चक्रपाणी जी को भी, जबरन धर्म परिवर्तन पहले से गैर जमा गैर कानूनी है। और इस देश में बहुत सारे लोग जो जबरन धर्म परिवर्तन करा रहे थे उनको सजा मिली है, वो जेल गए। सरकार ये है, बीजेपी सरकार की नीयत पर सवाल है। जब जब ये हर मुद्दे पर पीछे जाते हैं, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, अपराध का मुद्दा हो, मैं आपसे सिर्फ एक चीज जानना चाह रहा हूँ अगर इसके लिए अलग कानून बन रहा है तो आपको आपत्ति क्यों है? इनके कानून से आपको आपत्ति क्यों है? इस कानून से नहीं, हम अलग से अगर स्पेशल इसके लिए कानून, आप ये कह रहे हैं कि गला काटने का भी एक सजा हो और जेब काटने का भी एक सजा हो। अरे भाई, अगर इसके लिए अलग से कानून बन जाएगा तो उससे समस्या क्या है? आपको समस्या है तो बता। बहुत अच्छी बात कर रहे थे भाई, बोलते आप बहुत हैं। चक्रपाणी जी अभी बोल रहे थे कि 16 साल में सर यही सीखा मैंने, हत्या नहीं होती। मैं तो आपके माध्यम से उनसे सवाल करूंगा जी। मैं तो क्या इस कानून के बनने से अपराध रुक जाएंगे, हत्याएं रुक जाएंगी? इसका मतलब कानून नहीं बनना चाहिए? कोई भी कानून पहले से है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ। कानून अगर ना होता तो आवश्यकता जरूर थी। सारे आईपीसी के जो सेक्शन है, मैं अनुरोध करूंगा चक्रपाणी महाराज नेताओं से, सीधा सवाल आपसे कर रहे हैं कि कानून नहीं बनना चाहिए, कानून बनने से अपराध नहीं रुकेगा, ये सब घटनाएं नहीं रुकेंगी, जवाब दे दीजिए इनको। सत्येंद्र जी, सबसे बड़ी दुख और इस बात का है, आप देखिए ये कानून उन लव जिहादियों के खिलाफ बन रहा है जो बहकावा करते हैं, जो प्रलोभन देते हैं, जो वो करके बेटियों का और बहनों का उत्पीड़न करते हैं। ये कांग्रेस के खिलाफ कानून नहीं बन रहा है भाई, ये किसी और पार्टियों के खिलाफ नहीं बन रहा है, ये किसी मुस्लिम के खिलाफ नहीं बन रहा है कानून। आप देखिए, इस बहनों की रक्षा के लिए बन रहा है, बेटियों की रक्षा के लिए बन रहा है। वो बेटी चाहे सिद्दीकी साहब की हो, चाहे हमारे किसी हमारी बेटी तो देश की बेटी है भाई। आपको समझना होगा इस बात को, जिस प्रकार से लाखों बेटी और बहनों के सम्मान के साथ और खिलवाड़ किया इन जिहादियों ने, उनके खिलाफ अगर कानून बनता है तो आपको खड़ा होना चाहिए, चाहे उसमें सिद्दीकी जी हो, चाहे अंशु जी हो, चाहे किसी भी पार्टी के व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को खड़ा होकर एक सुर में उस बेटी और बहन के सम्मान के लिए। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ सत्येंद्र जी, आप जरा बताइए, देश बहुसंख्यकों का है, हिंदू 85% है, लेकिन एक भी हिंदू का उदाहरण दे दीजिए कि अपना नाम किसी मुस्लिम नाम करके किसी मुस्लिम बहन और बेटी के साथ मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया हो। सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि उसका कारण है कि उसके मूल से जो सनातन है उसमें फूल अच्छे ही आ सकते हैं, लेकिन जब मौलाना बैठ करके उनको लव जिहाद का पाठ पढ़ाएंगे तो स्वाभाविक है कि उसके अंदर खोट आएगा, उनके दिल काले होंगे और लड़की को सिर्फ आपसे ऐसी अपेक्षा मैं नहीं करता, डॉक्टर इकबाल से बोलेंगे, लेकिन मैं बड़े दुख के साथ कहता हूं कि आप झूठ बोल रहे हैं। किसी भी धर्म गुरु ने कभी भी ऐसी बात नहीं कही है। अरे कई आप ये देखिए मदरसों में आखिर बम बारूद कैसे पकड़े जाते हैं, 47 क्यों पकड़े जाते हैं, और कई मौलाना झूठ है, ये एक भी प्रमाण नहीं दे सकते। सिद्दीकी जी सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन काफी ऐसे लोग हैं जो एक भी प्रमाण नहीं दे सकते, एक भी, अरे एक नहीं सैकड़ों महाराज, एक भी प्रमाण नहीं दे सकते आप, इसका एक भी प्रमाण नहीं दे सकते। सिद्दीकी जी नहीं है प्रमाण, आपका महिला आयोग, देश का जो महिला आयोग है वो कहता है कि ऐसा केस नहीं हुआ है। किस बात का है, आपकी बेटी हमारी बेटी है, आपकी अरे बहनों के प्रति चिंता है तो बलात्कारियों को सजा दीजिए, छोटी बच्चियों के साथ अपराध बढ़ रहे हैं उनको सजा दीजिए। सिद्दीकी साहब, सवाल आपसे करूंगा कि अगर इसके खिलाफ कानून बन रहा है तो आपको आपत्ति है क्या? कोई जाती है उनको सजा, अगर ऐसा करने वालों के खिलाफ अलग से कानून बन रहा है, क्या आपको कोई आपत्ति है? तो यही है सबसे बड़ी आपत्ति, हमें सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि इसमें जिहाद शब्द को बदनाम किया जा रहा है, एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि आप कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन पर रोक लगाई जाएगी, तो ये असंवैधानिक है। धर्म परिवर्तन पूरी तरह से संवैधानिक है। बात करते हैं उस समय फतवा जारी क्यों नहीं आप करते कि हमारे अल्लाह, बिल्कुल गलत बात है, झूठ बोल रहे हैं, हमारे अल्लाह को बदनाम, झूठ बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोलते हैं इन जिहादियों के खिलाफ, इन लव जिहादियों के खिलाफ बिल्कुल कोई आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? क्या वो आपके देखिए जिहाद का, अगर नहीं है जिहाद शब्द का दुरुपयोग चाहे मुस्लिम करें या हिंदू करें, हम सबका विरोध करते हैं, खिलाफ सबका विरोध
करते हैं काम नहीं किया। आपको शायद पता नहीं है, आपको पता नहीं है कि आईएसआईएस के खिलाफ बोलने वाले सबसे पहले हम हैं। सबसे पहले आईएसआईएस के खिलाफ हमने बोला, हमने कहा कि वो इस्लाम के विरुद्ध है। जिहादियों के खिलाफ फतवा जारी करते हैं, क्यों नहीं फतवा जारी करते लव जिहादियों के खिलाफ एक एक मुस्लिम संस्थान? क्योंकि कहीं कोई चीज होती नहीं, नहीं तो उसके खिलाफ फतवा कैसे जारी होगा? जी बिल्कुल, सितम को देखते रहना सितम से कम नहीं होगा। चीज होती नहीं तो उसके खिलाफ कैसे फतवा जारी होगा? और फतवा का मतलब भी जानते हैं, फतवा का मतलब भी जानते हैं। फतवा एक प्रश्न का उत्तर होता है, आप पूछिए प्रश्न, गवाहों में भी होते हैं, प्रश्न पूछिए, आप बता दीजिएगा। आप भी कहीं ना कहीं इकबाल सिद्दीकी साहब, इकबाल सिद्दीकी समझना होगा, बेटी और बहनों के सम्मान के साथ खिलवाड़ बहुत कर चुके, अब कानून बनने की आवश्यकता है। और कोई व्यक्ति अगर तिलक लगाता है, कलावा बांधता है, पूजा पाठ करता है, झूठ बोलता है, तो वैसे ही वो मुसलमान नहीं रहा। उनके अंदर कानून का वो मुसलमान नहीं। किसी बेटी और बहू, किसी बेटी और बहन के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने से 100 बार सोचेगा। वरना योगी जी ने कहा है ना कि राम नाम सत्य की यात्रा होगी, तो बिल्कुल यात्रा होगी। अरे भाई ऐसा हो ही नहीं रहा है, आप तो बराबर इकबाल सिद्दीकी साहब, इकबाल सिद्दीकी साहब बड़ा दिल करके कह दीजिए ना कि अगर कोई भी हमारे धर्म से, इस्लाम से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति इसमें आगे आता है तो हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। राष्ट्रीय बड़ा दिल करिए और कह दीजिए इस बात को। कोई आंकड़े नहीं है, केरल सरकार ने कहा कि यह ऐसा नहीं हुआ है, गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अरे छोड़िए ना, मुख्यमंत्री सिद्दीकी साहब आप कह दीजिए एक बार, ठीक है नहीं हुआ, अगर कोई करेगा तो उसके खिलाफ आप आवाज उठाएंगे, आपकी संस्था उसके लिए बोलेगी, कहेगी कि हाँ हम इसमें खड़े हुए। ये तो कल्पना है ना कि कोई करेगा, नहीं जो हो रहा है साहब कल्पना कहाँ है? ताजा उदाहरण मैंने आपको दिया है साहब, बिल्कुल नहीं हो सकता। ताजा उदाहरण मैंने आपको दिया है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, ये अपराध है। देखिए लड़की को झूठ बोलना, लड़की को धोखा देना, लड़की को मार देना, लड़की के साथ गैर कानूनी काम करना, ये सब अपराध की श्रेणी में आते हैं, उनको सजा दीजिए। कानून बने हुए तो साहब कह दीजिए ना आपकी, हमको इससे कोई आपत्ति नहीं है, कानून जो बनाना है सरकार को बना दे वो। अरे जबरदस्ती होता ही नहीं है धर्म परिवर्तन, आप मुझे बताइए कौन से धर्म में ऐसा प्रावधान है? सब धर्म परिवर्तन के इतने मामले आते हैं, आपने केरल का जिक्र कर दिया था, केरल के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष जॉर्ज कुरियन ने पत्र लिखा है गृह मंत्री को। बड़ा अफसोस है, आज बीजेपी की प्रवक्ता चुप बैठी है, चक्रपाणी जी ने उनकी जगह ले ली है। मैं तो यही कहूंगा, जब दलित बेटी को रात को 2:30 बजे जलाया जा रहा था तब कहां पर थे चक्रपाणी जी? चक्रपाणी जी की नाराजगी कहीं नहीं दिखी? शबनम पांडे, सवाल ये है भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं या सनातन धर्म के लिए काम करते हैं? ये सवाल है, ये सवाल है। अंशु जी उनका नंबर आएगा, वो जवाब देंगे। अंशु जी वो जवाब देंगे, सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी, वो जवाब देंगे। अंशु अवस्थी वो जवाब देंगे। डिबेट में गला फाड़ते हैं, क्या कई महिलाओं के अपमान पर इन्होंने कोई धरना प्रदर्शन किया, सरकार से कोई कार्रवाई की मांग की? विधानसभा के सामने एक लड़की ने आत्महत्या कर ली, कांग्रेस पार्टी ने उसमें क्या किया? पार्टी में शामिल हो जाइए, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? अगर चिंता है बीजेपी की, अगर बीजेपी के प्रवक्ता बनना है तो भाजपा में शामिल हो जाइए, अघोषित प्रवक्ता बनकर क्यों बैठते हैं? सच्चाई को उठाना प्रवक्ता कहलाएगा? अंशु अवस्थी सच्चाई को उठाना प्रवक्ता कहलाएगा क्या? नहीं अंशु जी, बेटी और बच्चों नहीं, ये सच्चाई है नहीं, डालकर जला दिया गया, ये सच्चाई है। कहां थे चक्रपाणी महाराज? मैं उन बहनों और चक्रपाणी महाराज दूसरों को प्रमाण पत्र बांटते, मैं उन बहन और बेटियों की सम्मान की रक्षा में बोल रहा हूँ। आप लव जिहाद नहीं है, महिलाओं के अधिकार के लिए कोई कानून बनता है तो आप उसका विरोध क्यों करते हैं? चाहे वो चैनलों पर सिर्फ विमान सम्मान करने आने वाले चक्रपाणी है, ये हिंदू धर्म में नहीं हो सकता। अखिलेश जी ने कहा कि मैं भी हिंदू हूँ, मुझे गर्व नहीं है, लेकिन आज ये चक्रपाणी से प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, कांग्रेस ने चक्रपाणी से प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। पेश किए थे अगर दलित बेटी जाती है उस पर चक्रपाणी,
पे कानून अगर किसी प्रदेश में इस तरीके से तो प्रदेश की सरकार को पूरा अधिकार है इस पर कानून बनाने का। आपसे कानून बनेगा सबसे ज्यादा दलितों पर पीड़ितों पर हो रहे अत्याचार, उस पर चक्रपाणी जी की प्रतिक्रिया नहीं आती, उस पर चक्रपाणी जी को कोई आपत्ति नहीं। अंशु जी ऐसा नहीं होगा कि एक एक करके वन बाई वन अपनी बात को रखें। और अंशु अवस्थी, अगर प्रदेश में इतना जंगल राज है तो आप क्यों हाथ पर हाथ रख के बैठे हुए, आप क्यों सिर्फ टीवी पे डिबेट में बोलते हैं? साहब सड़कों पर उतरिए ना, आप भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाइए, आप सड़कों पर उतरिए। आजादी है, बिल्कुल आपको हक है, इसका अधिकार है आपको। पहले अपना सर मुड़वा रहे थी, कहां थे चक्रपाणी? धर्म ढूंढते उसका। उत्तर प्रदेश की हमारी हिंदू शिक्षा मित्र बहने अपना सर मुड़वा रही थी। आज लफ्ज जिहाद पर बात कर ले अंशु अवस्थी साहब, क्या अंशु अवस्थी साहब लफ्ज जिहाद पर बात कर लिया जाए? आज लफ्ज जिहाद पर बात कर लिया जाए और चक्रपाणी महाराज एक धर्म के संरक्षक है, वो धर्म के प्रति आवाज उठाते साहब। जरा समझिए इस गरिमा को भी, इस गरिमा को समझिए। मुस्लिम धर्म के ये महागुरु है, ये हिंदू धर्म के गुरु नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम करने वाले महागुरु है। और एक बार एक शिक्षा मित्र बहन हमारी जब सर अंशु अवस्थी, आप तो कम से कम ये सर्टिफिकेट मत दीजिए, आप तो ये सर्टिफिकेट मत दीजिए कम से कम। दूध के धुले हुए नहीं है आप या आपकी पार्टी में? शादी के बाद जबरन धर्म परिवर्तन करते हैं तो आप उनसे अगेंस्ट फतवा क्यों नहीं जारी करते हैं? और यहाँ पर चैनलों पर आप बात बात में फतवा जारी करते हैं, फतवा जारी, पूजा करते तो फतवा जारी। देखिए मुद्दे पर बात करूंगा, इस तरह से बिल्कुल नहीं हो पाएगा, किसी की आवाज सुनाई नहीं देगी, किसी को समझ नहीं आएगा। अखिलेश मिश्रा जी, आपसे कमेंट लेना चाहूंगा यहाँ पर, क्या है ये, क्या राजनीति होती रहेगी या फिर इसका कोई मुकम्मल हल भी निकलेगा? देखिए अंशु अवस्थी जी कह रहे थे कि कानून बने हुए हैं, मैं पूछता हूं कि स्वेच्छा से कोई धर्मांतरण कर रहा है या जबरदस्ती कर रहा है, ये आप कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे इस बात को तय करेंगे कि उस व्यक्ति ने स्वेच्छा से किया है या उसको जबरदस्ती किया गया है? दूसरी बात, मुश्किल तब नहीं होती जब शादी होती है, मुश्किल तब होती है जब शालिनी फिजा बन जाती हैं, एकता वर्मा आलिया बन जाती हैं, और इस बात को लेकर के। और जब आप उठाते हैं हाथरस का मामला, उस समय राजस्थान में भी कुछ हुआ था, तो सेलेक्टिव जब मामले को उठाया जाता है तो लगता है कि हाँ राजनीति कर रही है। अगर मामले को आप समग्रता में उठाएंगे तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है अंशु अवस्थी, जवाब दे दीजिए अब एक एक करके। देखिए मैंने पहले ही कहा कि कोई सिलेक्टिव बात नहीं, अगर राजस्थान में हुआ हमने उस पर भी कहा, लेकिन हाथरस और राजस्थान को अगर आप देखते हैं तो आप कंपेयर करिए, आप वरिष्ठ हैं, कि किस तरीके से हाथरस में पुलिस पत्रकारों को रोक रही थी, जो पीड़ित परिवार है उनको डराया धमकाया जा रहा था, और वो बेशर्म बदतमीज डीएम अभी भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने वहीं पर नियुक्त करके रखा है। क्या राजस्थान में पीड़िता को न्याय नहीं मिला? ठीक है, परिवार की बेटी को 2:30 बजे रात को सनातन धर्म के विधान के विपरीत जला दिया गया, चक्रपाणी जी की उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। शबनम पांडे, ठीक है शबनम पांडे आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल जानना चाहूंगा। एक मिनट अंशु अवस्थी, बहुत टाइम हो गया आपको, अंशु अवस्थी रुक जाइए। आप शबनम पांडे, आपसे एक अहम सवाल है, चूंकि बहुत समझना जरूरी हो गया है। जहां जहां बीजेपी पार्टी की सरकार है वहां वहां सभी मुख्यमंत्री एक एक करके लफ्ज जिहाद के खिलाफ कानून लाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको लगता है, भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि सभी राज्यों में ये कानून आना अनिवार्य है, तो क्यों ना संसद में इस कानून को लाया जाए ताकि पूरे देश में ही लागू हो जाए? देखिए सत्यन जी, इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि हमारे देश में फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम में प्रदेश की सरकारों को पूरा अधिकार है कि अगर उनकी सरकार समझती है कि इस प्रदेश में ये सारी समस्याएं हैं, तो उस समस्याओं से निपटने के लिए वो अपने तरीके से कानून ला सकती है। उस कानून में क्या प्रावधान लाना है वहां की परिस्थितियों के अनुसार वो ला सकती है। और जिस तरीके से अभी अखिलेश जी ने कहा कि केरल में नहीं हुआ, मैं बताना चाहूंगी, सीएम केरल ने
2012 में विधायिका में ये आंकड़े पेश किए थे, आप चाहे तो निकलवा के देख लें। शबनम जी, मैंने कहा कि गृह मंत्री ने जो लोकसभा में बयान दिया, जी किशन रेड्डी ने जो लोकसभा में बयान दिया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि लव जिहाद जैसा कोई मामला नहीं है। आपके गृह राज्य मंत्री है किशन। देखिए, अगर ऐसा नहीं होता तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी को भी आप याद करिए, और जिस तरीके से महिलाएं लगातार बता रही हैं कि शादी से पहले वो पुरुष अपना नाम किसी और धर्म का रखता है, हाथों में कलावा बांधता है और शादी के बाद जबरन उसका धर्म परिवर्तन करता है, नहीं करने पे उसका उत्पीड़न करता है, तो कह रहे अखिलेश जी ने उदाहरण दिया उसका, अधिकार के लिए कहां दरवाजा खटखटाया, उसका उदाहरण दिया है अभी, बता दीजिए जिसमें की ठीक है। लेकिन शबनम पांडे, हम आपसे सिर्फ यही जानना चाह रहे हैं कि आपने कह दिया कि अलग अलग राज्यों की अपनी अपनी छूट होगी, उनकी समस्या वो कानून लेकर आएंगे, लेकिन तीन तलाक में आपने ऐसा नहीं किया था। तीन तलाक का जब कानून लेकर आए थे, वो संसद के माध्यम से लेकर आए थे, वहां पर आपने सभी राज्यों को अलग अलग छूट क्यों नहीं दी? तीन तलाक के मामले में पूरे देश भर की महिलाएं हमारे कानून मंत्री, केंद्रीय कानून मंत्री के पास लगातार अपनी अपनी शिकायतें दर्ज करा रही थी, और केंद्र सरकार को समझ में आया, क्योंकि देखिए शाहबानो का केस भी हमारे संसद में उठा था, और उस वक्त कांग्रेस की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को निरस्त करते हुए उसके मेंटेनेंस को खत्म कर दिया। हम सिर्फ यही कह रहे हैं, जब समस्या है तो उसको जड़ से खत्म कीजिए ना साहब। देशव्यापी मुस्लिम महिलाएं अपने अधिकार जड़ से खत्म कर दीजिए समस्या को, ताकि पूरे देश में ये समस्या खत्म हो जाए। पता लगे उत्तर प्रदेश में आज है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है वहां पर कानून नहीं आएगा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है वहां पर कानून नहीं आएगा। बिल्कुल आपकी बातें सही है, और हमने 2006 लेकिन अभी फिलहाल जो समस्याएं हमारी सरकार की बनाए जाने की आवश्यकता है, ठीक है, प्रदेश स्तर पे भी बने, प्रदेशों में भी बने, सरकार बनाए, लेकिन केंद्रीय स्तर पे कानून इसका ठोस कठोर बनना चाहिए। और दूसरी बात कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे अंशु जी हो कांग्रेस से, चाहे सिद्दीकी जी हो, ना कोई राजनीतिक रंग दे इसको और ना कोई सांप्रदायिक रंग दे, क्योंकि ये बेटी और बहन के सम्मान की बात है, और सम्मान से जुड़ा हुआ है बेटी और बहन के सम्मान से। इसलिए कोई भी इस कानून का अगर विरोध करता है, कठोर कानून का, तो कहीं ना कहीं वो लवजिहादियों का समर्थन करता है प्रत्यक्ष रूप से। इसलिए यही तो कह रहे सत्यन जी, उसको जड़ से खत्म करिए ना समस्या, जड़ से खत्म करिए, कभी हरियाणा, कभी कर्नाटक, कभी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जड़ से खत्म करिए। इसलिए कठोर कानून कोई भी बनाए सरकार, उसका हम लोग समर्थन करे, उसको राजनीति जो भी शादी किया था। अंशु अवस्थी, एक आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगा, एक निजदा तौर पर ये जानना चाहूंगा, जो पार्टी की लाइन है, चूंकि अशोक गहलोत साहब ने ट्वीट कर दिया है कि हम ये असंवैधानिक है, ठीक नहीं है ये कानून लाना, पार्टी की लाइन पर ही आप बने रहेंगे या फिर उससे ऊपर उठकर आप स्वागत करेंगे कि ठीक है ऐसा हो रहा है तो कानून बनाइए आप? सवाल बेटियों का है, क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी समाज की जो आवश्यकताएं हैं हम उनके साथ खड़े हैं। हम तो सिर्फ ये बार बार ये बात कह रहे हैं, फिर से कह रहा हूं, हम अपने साथियों से अनुरोध करेंगे, शिखर पाणी से भी अनुरोध करेंगे कि कम से कम भारतीय संविधान को पढ़िए, आईपीसी को पढ़िए। नहीं ठीक है, हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि अगर सरकार इसके खिलाफ कानून लाना चाह रही है तो कांग्रेस की लाइन सिर्फ यही रहेगी कि वो विरोध करेगी, यह मान लिया जाए कांग्रेस इसके विरोध में खड़ी है? नहीं, विधानसभा में ये कानून आगर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ अंशु अवस्थी, विधानसभा में ये कानून आएगा तो कांग्रेस इसका समर्थन करेगी या नहीं करेगी? केंद्र सरकार, कांग्रेस इसका समर्थन करेगी नहीं करेगी? उत्तर प्रदेश में आप बैठे हुए हैं साहब, लखनऊ में आप बैठे हुए हैं, विधानसभा में ये कानून पहुंचता है तो वहां पर कांग्रेस पार्टी समर्थन करेगी या नहीं करेगी? सीधा जवाब आपसे, हाँ या ना। केंद्र सरकार के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं इस पर, बीजेपी सरकार सारा बता दिया, वो सब बता दिया है। अंशु अवस्थी साहब, हाँ या ना मैं जवाब चाहूंगा, अगर विधानसभा में ये कानून पहुंचता है तो कांग्रेस पार्टी वहां पर समर्थन करेगी या नहीं करेगी? सिर्फ राज्य गृह मंत्री का विरोध क्यों कर रही है साहब? मैं आपसे सिर्फ जानना चाह रहा हूं कि आप इसका विरोध करेंगे, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगी या समर्थन करेगी? गृहमंत्री तो कुछ और कह रहे हैं। अरे आप क्या कह रहे हैं, आप बता दीजिए साहब, अपनी बात बता दीजिए आप। पहले से है
ठीक है मैं समझ सकता हूँ, मजबूरी में आपकी समझ सकता हूँ कि आप ये जवाब नहीं दे पाएंगे, पार्टी की लाइन है उससे ऊपर नहीं उठेंगे। डॉक्टर इकबाल सिद्दीकी साहब, आखिरी में जाते जाते बहुत कम शब्दों में छोटा सा कमेंट आपसे लेना चाहूंगा, सरकार कानून बना रही है, आप भी क्या अपनी तरफ से बड़ा दिल करेंगे और कहेंगे कि कानून बन रहा है उसका स्वागत करते हैं हम? इकबाल सिद्दीकी साहब, बेटियों का सवाल है, चीज के खिलाफ कानून बना रही है जो मौजूद ही नहीं है। यूपी में बेटियों के खिलाफ अपराधों में सब हाईकोर्ट कह रहा है, उसको आप नहीं स्वीकार करेंगे, सरकार कह रही है उसको आप स्वीकार नहीं करेंगे, पुलिस में मामले दर्ज हो रहे हैं उनको आप स्वीकार नहीं करेंगे। हाईकोर्ट ये थोड़ी कह रहा है कि आप जो है लव जिहाद पर कानून बनाइए, ये तो नहीं कहा हाईकोर्ट, धर्म परिवर्तन हाईकोर्ट ने ये नहीं कहा कि लव जिहाद पर कानून बनाइए। एक साथ शादी के लिए जा रहे हैं वो पूरी तरह से असंवैधानिक है, संविधान के खिलाफ है, संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है, और आप आपके बीजेपी मतलब आप स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसे आप स्वीकार नहीं करेंगे, आप स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं किसी सूरत में स्वीकार नहीं करेंगे, विरोध करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, विरोध करेंगे जुड़ने के लिए। अखिलेश मिश्र मेरे साथ स्टूडियो मौजूद रहे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर लव जिहाद को लेकर सरकारें सख्त हो गई हैं, जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां पर सरगर्मी बढ़ गई है और लगातार कानून बढ़ाने की बात चल रही है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कांग्रेस पार्टी के साथ और कौन कौन से वो दल हैं जो इसके विरोध में खड़े होते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon, never miss any update.